हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का सेट नंबर 9। 8 सेट आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आज भी हम इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अ कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। एक कंप्यूटर को यूज किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रोग्राम को। टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन, किसमें लिखा होता है वो? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो गाइस, जिसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपाइलर को यूज किया जाता है एक प्रोग्राम को, वो ट्रांसलेट करता है। टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन, जो किसमें लिखा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नाउन एज, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है इनको और क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डॉक्यूमेंट्स, पेरिफेरल्स, एप्लीकेशंस, नन ऑफ दीज। तो गाइस, इसका आंसर है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स को और क्या कहा जाता है? एप्लीकेशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? एप्लीकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। अब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आती है, कहाँ से आती है? एक्सटर्नल सोर्स से आती है और हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फेड हो जाती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, या इसको थ्रूपुट कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं, या नन ऑफ दीज, क्या कहते हैं गाइज? तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर है हमारे पास इनपुट। तो गाइस, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, उसे हम कहते हैं गाइस इनपुट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अ रिपेयर फॉर अ नाउन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एन। अब जो रिपेयर होता है कि सॉफ्टवेयर जो प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर में, उसको रिपेयर करने को यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में कोई इसका चार्ज अवेलेबल नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, FAQ या नॉन ऑफ दीज। तो गाइस, इसका आंसर है हमारे पास पैच, ठीक है। रिपेयर फॉर अ नाउन सॉफ्टवेयर बग, उसको यानी कि नाउन सॉफ्टवेयर जो बग होता है उसका रिपेयर जो होता है आमतौर पर अवेलेबल होता है कि उसका कोई चार्ज नहीं होता इंटरनेट पे, इसे हम कहते हैं पैच, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रो सॉफ्टवेयर। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है कौन से सॉफ्टवेयर की? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, नन ऑफ दीज। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सॉफ्टवेयर का कॉमन टाइप है? तो गाइस, ये है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज रेफर्ड टू एज। एरर को ठीक करने एक प्रोग्राम में, उसे हम क्या कहते हैं? डीबगिंग, बगिंग, रेक्टिफाइंग, मॉडिफाइंग, या नन ऑफ दीज। तो गाइस, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका आंसर है हमारे पास डीबगिंग, ठीक है। एरर को करेक्ट करना एक प्रोग्राम में, उसे हम कहते हैं डीबगिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। एक असेंबलर को यूज किया जाता है जो एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ठीक है, जो किसमें लिखी होती है। पहले हमने कंपाइलर देखा, ठीक है, अभी हम असेंबलर देखेंगे। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो क्या जिसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर जो है, एक जो लैंग्वेज है रिटन, यानी कि असेंबली लैंग्वेज लिखी होती है, उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एनेबल टू आर मोर देन टू प्रोग्राम्स। एक कैपेबिलिटी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अनेबल करता है दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम को जो साथ साथ एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एक सिंगल प्रोसेसर यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी एग्जीक्यूशन या नन ऑफ दीज? तो क्या इसका आंसर है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम को साथ में साइमल्टेनियसली काम करता है, एग्जीक्यूट करता है सिंगल कंप्यूटर में और सिंगल प्रोसेसर में, उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू अनदर नेम फॉर सॉफ्टवेयर। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बोलती है क्या करना है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है प्रोग्राम, सीपीयू, ऑप्शंस, फोल्डर, नन ऑफ दीज। तो क्या इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोग्राम। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को बोलता है क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम भी है, यानी कि प्रोग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्रोग्राम दैट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट्स। एक ऐसा प्रोग्राम जो कैलकुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, जो हमारे मनी को ट्रैक भी करता है और बजट भी बनाता है। ऑप्शन आपको सामने, कैलकुलेटर, स्प्रेडशीट, बजटर, फाइनेंशियर, नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास, जो हमने पहले भी पढ़ा था, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज के 10 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि आपने 10 में से कितने मार्क्स लिए हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, वीडियो कहाँ पे ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।